आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को पिछले 30 वर्षों से ईडी और सीबीआई तंग कर रही है, तो बीजेपी वाले घबरा गए हैं और इसी घबराहट में गलती पर गलती किए जा रहे हैं। वैसे लोगों को जेल की सलाखों में होना चाहिए जिनके घर पर 5 करोड़ रुपया और विदेशी करेंसी मिला है, क्योंकि मोदी जी का गद्दी खिसकता दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं प्रीति दयाल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार की सियासत में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। आपको बता दें कि बजट सत्र जारी है और इस बीच ईडी और सीबीआई की रेड जो लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर हुई है, वह मामला अब तूल पकड़ने लगा है। वहीं इस मामले को लेकर राजद विधायक भाई वीरेंद्र से सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साध दिया है। दरअसल भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पे कहा कि ईडी और सीबीआई के द्वारा लालू प्रसाद यादव को तकरीबन 30 साल से परेशान किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को लेकर कहा कि बीजेपी का 2024 में सूपड़ा साफ होने वाला है और इसी डर से लालू प्रसाद यादव को परेशान किया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे भाई वीरेंद्र, आप वो सुने। ये तो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है और आप लोग भी गवाह हैं इसके कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को पिछले 30 वर्षों से ईडी और सीबीआई तंग कर रही है। और चूंकि 24 नज़दीक है चुनाव लोकसभा का और बिहार से बीजेपी सुपरा साफ हो रहा है और 40 का 40 जो सर्वे आया है उसमें 40 का 40 सीट महागठबंधन को दिखा रहा है, तो बीजेपी वाले घबरा गए हैं और इसी घबराहट में गलती पर गलती किए जा रहे हैं। और ये बीजेपी झूठा प्रचार है, मशीन है, रोज वो ट्विटर पर जहां तहां वो प्रचार कर रही है कि ये पकड़ाया वो पकड़ाया। मैं कहूंगा कि जिसने छापामारी किया है वो सार्वजनिक करे, वो बयान दे। ये तो बीजेपी का बयान है कि ये पकड़ा गया वो पकड़ा गया, तो बीजेपी का है। मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र में बैठे एक मंत्री जिनके यहाँ 5 करोड़ रुपया नगद पकड़ाया था और विदेशी मुद्रा भी पकड़ाया था, करेंसी, क्या केंद्र सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं की? और राज्य सरकार से मैं कहूंगा कि उनके राज्य का मामला है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि वैसे लोगों को जेल की सलाखों में होना चाहिए जिनके घर पर 5 करोड़ रुपया और विदेशी करेंसी मिला है। मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे 2-4-5 लोग को बंद कीजिएगा, ये सब शांत हो जाएगा। कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र बोलेंगे क्या कि मुख्यमंत्री? निश्चित रूप से, जैसे अन्य राज्यों में कई राज्य हैं जहां कानून बना लिया है कि बिना राज्य सरकार के सहमति के ईडी का छापा और सीबीआई का छापा उनके यहाँ नहीं पड़े, सहमति ले उसके बाद करे। ये जब मन कर रहा है सुबह चल जा रहा है, शाम में चल जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को। देश की जनता भी समझ रही है और आप पत्रकार भी समझ रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके परिवार पर किस तरह से सीबीआई और ईडी का हमला हो रहा है। ये हमला उनका नहीं हो रहा है, ये केंद्र सरकार में बैठे मोदी जी का हो रहा है, क्योंकि मोदी जी का गद्दी खिसकता दिखाई दे रहा है। इसलिए उन राज्यों के नेताओं पर छापामारी हो रही है जहां इनका सीट आने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री तो बोलेंगे कानून बनाने लिखे कुछ कानून बनाया, मैं मांग करूंगा। कानून बनाना राज्य सरकार के और सरकार का काम है, हम मांग करेंगे कि इस तरह का कानून अन्य राज्यों में जो बना है वो राज्य, ये बिहार राज्य में भी वो लागू हो, कानून बने बिना राज्य की राज्य सरकार की सहमति से। तो आपने भाई वीरेंद्र का वो बयान सुना जिसमें उन्होंने बीजेपी पर जमकर करारा हमला बोल दिया है। इसके साथ ही एक बार फिर से बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी करार दे दिया है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे एक न्यूज 24 के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।